हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज चलते हैं एक नए जर्नी पे और मैं निकलने वाला हूँ गोवा के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि गोवा जाने के लिए मैं कैसे जा रहा हूँ और क्या अपडेट है और कब पहुँचूँगा मैं और कहाँ रुकूँगा गोवा में, ये सब मैं दिखाऊंगा। तो आइए बने रहिए और चलिए देखते हैं कि चलते हैं और गोवा, लेट्स गो। तो गाइस, ये देखिए मेरा सामान पैक हो चुका है और घड़ी में 5 बज गए हैं। 9 बजे का मेरा फ्लाइट है, 9:15 का। तो चलिए और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है डीजी यात्रा, नई सुविधा है जिसकी वजह से आपको क्यू में ज़्यादा लगना नहीं पड़ेगा। और ये है दमदम एयरपोर्ट, देख सकते हैं कि मैं टाइम से पहले पहुंच गया। और चलते हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये देखिए मेरा बोर्डिंग पास मिल गया मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि विंडो सीट लेने का, और मुझे विंडो सीट ही मिला है। और ये देखिए सिक्योरिटी चेकिंग करके मैं गेट नंबर 107 पे वेटिंग के लिए आया हूँ। अभी फ़्लाइट आने में मुझे कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो कोई नहीं। और ये देखिए भाई साहब, ऊपर से नज़ारा क्या लाजवाब नज़ारा है। कलकत्ता का जगमगाता हुआ आप देख सकते हैं ये नज़ारा, जो फ्लाइट से नज़र आती है रात को, बहुत ही बेहतरीन। और ये देखिए आपको गोवा का नज़ारा, कि नीचे समुंदर ही दिखेंगे आपको। ये गोवा का एयरपोर्ट देख सकते हैं कि छोटा एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट है, लेकिन कितना लाजवाब डेकोरेशन और इंटीरियर है, देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये रिसेप्शन है, अगर आपको कोई हेल्प लगे तो ये करते हैं। ये देखिए बाहर का एरिया आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है, लाजवाब और उतनी ही साफ़ सफाई। ये आप देख सकते हैं कि बाहर में कितने बड़े पार्क बने हुए हैं। मतलब ऑल ओवर अगर ये रेटिंग दिया जाए तो मैं 10 में 10 दूंगा, क्योंकि ये लाजवाब है ये। अभी मैं आगे बढ़ूंगा गाड़ी बुकिंग के लिए। और ये देखो दोस्तों, मैं पार्किंग की तरफ मैं जा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं, आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटीरियर, बाहर के पार्किंग एरिया। ये देख लो दोस्तों, एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ कि कितना लाजवाब और कितना बेहतरीन है। और चलते हैं, अपनी गाड़ी मैंने बुक किया है, अब उसको उसके लिए मुझे पार्किंग में जाना होगा। तो अभी मैं पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी पकड़ने के लिए पार्किंग की तरफ ही आपको जाना होगा, अंदर अलाउ नहीं है। ये देखिए ये पार्किंग एरिया है, आपको अगर कभी भी गोवा जाना होगा तो आपको पार्किंग एरिया में जाके ही गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। सो ये देखिए, ये मैं पार्किंग एरिया में आ गया। और ये रहा पार्किंग, देखिए ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये रहा मेरा गाड़ी जो मैंने बुक करी है। और दोस्तों देखो कि 45 मिनट के जर्नी के बाद मैं अपने होटल में आ गया। और ये देखिए ये होटल जो मेरा बुकिंग है, कितना बढ़िया, बहुत ही लाजवाब होटल है। तो ये रहा मेरा जर्नी। आपको वीडियो कैसा लगा आप सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, और आगे मैं आपको फिल्म फेस्टिवल का वीडियो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगा। धन्यवाद।